लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या से लोग पहले ही परेशान थे। जारी बारिश ने उनकी दुश्वारियों को और दोगुना कर दिया है। बारिश की वजह से वार्ड क्रमांक 23 के हालात बिगड़े हुए हैं। वीजी रोड के फाटक के पास बने नाले के पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। इस वजह से यहाँ की डगर इतनी कठिन हो गई है कि यहाँ से पैदल चलना तो दूभर हो ही रहा है। साथ ही नाले के पास करीब 40 घरों की बसाहट है। पिछली जगह में बसाहट होने से यहाँ बारिश का पानी घरों में भर रहा है। इसके बाद भी उनकी परेशानियों का अंत नहीं होता। पूर्व में रेलवे से यहाँ पुलिया निर्माण कराने की अर्जी लगाई गई थी। यहाँ के रहवासियों को रेलवे से आश्वासन जरूर मिला, लेकिन इसका निर्माण फिर भी नहीं हो सका। इसके बाद रहवासियों ने नगर पालिका के नुमाइंदों से गुहार लगाई, मगर पुलिया का निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो सका। बारिश के दिनों में यहाँ की हालत यह हो गई है कि खराब रास्ते की वजह से उनका मानो शहरी क्षेत्र से ही संपर्क कट गया हो। मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने और घरेलू ग्वालियों के लिए रहवासी रास्ते की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। ये समस्या है कि ये कई पुलिया बनती नहीं है और ये हमने ही डाली थी प्राइवेट, सभी लोगों मोहल्ला वालों ने इकट्ठा कर डाली थी। तो ये पुलिया क्या कभी बनती नहीं है। यहाँ पे पानी की भी समस्या आ जाती है तो टैंकर नहीं आता, कोई बीमार हो जाता है तो टैक्सी वाले नहीं आते, एम्बुलेंस बुलाओ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती अंदर। मतलब बहुत समस्या है इस पुलिया से। पिछले साल देखा गया था कि ऊपर से पानी जा रहा था जब आप लोग बहुत समस्या में थे। ये पुलिया मतलब जो है पानी बरसात में ना पूरा पुलिया बह गया था ये। तो ये फिर हमने पानी बंद होने के बाद हमने फिर रात में इसको डाला था। रात में आपने रात भर काम किया था? रात भर हमने काम किया, 4 बजे रात तक हमने काम किया। इसमें पाइप डलवाई, मुरम डाली, ये सब हमने डाला। तो आपको हर साल बारिश में आप लोगों को ही करना पड़ता, कोई सुनवाई नहीं होती क्या? सुनवाई नहीं होती, नगर पालिका में जाते हैं तो भी नहीं होती और पार्षद से भी कहते हैं तो वो भी नहीं सुनता। क्या बोलते हैं वो लोग? इसका करवा देंगे, इसको देख लेंगे, करवा देंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ये लोग बोलते हैं। तो ये आरुण बस स्टैंड के पास में ही है आपकी? आरुण बस स्टैंड के पास भजरिया तालाब पुलिया की है। रास्ता नहीं निकले बरसात में बिल्कुल नहीं, और बरसात में पानी भर जाता है तो रेलवे क्रॉसिंग करने पड़ती है। रेलवे क्रॉसिंग से यही खतरा है, यही खतरा ना, बच्चे स्कूल जा पाए, बीमार दुखी हो जाए तो वो नहीं जा पाए, गाड़ी नहीं आ पाती है, ऑटो भी नहीं आ पाए, जो आता है ना साइकिल जा पाए ना गाड़ी जा पाए, और दुखी बीमार पिताजी कम से 4 मौतें हो चुकी में बिल्कुल कोई गाड़ी की सुविधा ही नहीं जाने को, जब पुलिया से वो पुलिया तक कोई साधन नहीं जा, कोई निकलने पीठ पे धड़के ले जाते हैं लोग। 40-50 मकान, 40-50 में ये कोई सुविधा नहीं जाना, हम आ भी थोड़ा तक के आते जाते।